हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देती है कि क्या होने वाला है, अच्छा हो या बुरा हो। आपको पहले ही ऐसा कि अंदाज़ा लग जाता है कि अब शायद ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा लेज़ी दिखाई देते हैं, आलसी से हो चुके हैं। किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है। ऐसा है इनका कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी थोड़ा आराम करें, बहुत काम कर लिया, थक गए, ऐसा अभी इनका हाल है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था गाइस, अभी कुछ समय पहले तक तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। और ऐसा है बहुत ज़्यादा सोच विचार भी अभी चल रहा है। और ऐसा है कि ये इंसान जो है, ये किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते, किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी भरी हुई है। इस वक्त ये पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। और अभी आपको और इस रिश्ते को लेकर भी ये कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। इनको ये रिश्ता अब बोझ सा लगने लगा है और इनको ये लगता है गाइस कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया है और बदले में तो इनको कुछ हासिल हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही लगता है कि आपका जब देखो तब शिकायत बनी रहती है, आपको आपका रोना धोना चलता ही रहता है और आप ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। और इनको यही लगता है कि आप इनकी तरह नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं और आप ऐसे इंसान हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी जो चल रहा है इसमें जीना आपको नहीं आता और ये चाहते हैं कि रिश्ता जैसा चल रहा है चलता रहे, एंजॉय करें आप दोनों एक दूसरे के साथ। और आप ऐसे हैं कि फ्यूचर की बात को लेकर बैठ जाते हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर में आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो आपके साथ रिश्ता निभाना इनको मुश्किल लगता है इसी वजह से, क्योंकि आप इमोशनल हैं, ये प्रैक्टिकल हैं। और इनको ये भी लगता है कि आप इन्हीं की तरह अगर बन जाओ तो इस रिश्ते को निभाने में इनको भी आसानी होगी। और यहाँ पर ऐसा है कि इन्हीं की तरह आप भी आज जो है उसी में जियो, आगे की बात मत किया करो इनसे, क्योंकि ये कमिटमेंट वगैरह के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचते हैं। और ये एनर्जी कुछ के पर्सन की अभी की हो सकती है और कुछ के पर्सन की ये एनर्जी पास्ट की हो सकती है। और अभी ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि इस रिश्ते को लेकर ये इंसान श्योर भी नहीं है और ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं और कहीं और जगह पर ये सर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी नए इंसान की तलाश इनको है या इनके पास और भी ऑप्शन है तो ये उनकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस चीज़ को ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। इनका विचार हो चुका है कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना और इस चीज़ को क्या है ये छुपा रहे हैं, ये कोई भी बात आपको क्लियर करना नहीं चाहते। और यहाँ पर वही है कि इनके पास ऑप्शन भी हैं तो ये उधर ध्यान दे रहे हैं और अगर ऑप्शन नहीं है तो किसी नए इंसान की तलाश में भी ये इंसान है। और कुछ के पर्सन की लाइफ में तो कोई नया इंसान आ भी चुका है और वो इनके रोमांटिक पार्टनर हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप इस इंसान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा है कि अपनी बातों को आपको कुछ क्लियर बताना नहीं चाह रहे हैं और इनका जो भी निर्णय है ये वो भी आपको नहीं बताना चाहते। और यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि ये किसी के साथ या तो रिश्ते में आ चुके हैं या तो किसी की तलाश में ये हैं। और चीटिंग तो आपके साथ हुई है और ऐसा है कि पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको अपने कंट्रोल में भी रखा, आप पर दबाव बनाए गए, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया है इन्होंने आपको, तो यहाँ पर ये भी हुआ है और आपने भी इनकी बात मानी है, इनके हिसाब से आप चले हैं रिश्ते को बचाए रखने के लिए, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए आपने इनकी बात सुनी भी है। लेकिन वही है, फिर भी ये इंसान आपको धोखा देकर गए हैं, चीटिंग आपके साथ हुई है, आपके हिसाब से ये इंसान नहीं चले और अपने हिसाब से तो आपको पूरी तरह चलाया है, अपनी मर्ज़ी चलाते थे ये रिश्ते में और आपकी सुनना इनको ज़रूरी नहीं लगता था। तो यहाँ पर वही बात है कि आपने बात मानी है लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला है।
आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो अपना नफा नुकसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहाँ इनका फ़ायदा है कहाँ इनका नुकसान है, और उसके हिसाब से फिर ये ऐसा है कि आगे बढ़ते हैं। और आपके साथ रिश्ते में रहने की बात जब भी आती है तो भी ये इस इंसान के दिमाग में यही चलता है कि यहाँ रहने से फ़ायदा है या नुकसान है। तो इनको यही लगता है कि इस रिश्ते में रहना नुकसानदायक हो सकता है, बहुत से लोगों से रिश्ता ख़राब हो सकता है इनका, हो सकता है परिवार वाले यहाँ पर तैयार नहीं है या कोई थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है। तो इनको लगता है कि बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत से लोगों से संबंध ख़राब होगा, और ऐसा है कि आपके साथ भी इनको अब ऐसा है कि सही नहीं लगता रिश्ता रखना, क्योंकि वही है कि आप इमोशनल हैं और ये हैं प्रैक्टिकल, आप फ्यूचर की बात को लेकर बैठे रहते हैं और ये वो सब सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए ऐसा इनको लगता है कि इस रिश्ते में रहना नुकसानदायक ही है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इस रिश्ते में भले ही आप दोनों रहे तो हैं लेकिन यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं है, अट्रैक्शन रहा है ऐसा इनको लगता है, और जिसकी वजह से आप दोनों इस चीज़ को प्यार समझकर एक दूसरे का साथ भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है ऐसा इनको लगता है। जबकि प्यार यहाँ पर है, पास में इनको भी आपसे प्यार था, आपने तो इनसे ऐसा है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, आपके दिल में जो प्यार है वो तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन अभी इस इंसान की एनर्जी यही है कि इनको पता है कि यहाँ पर प्यार है लेकिन फिर भी इनको लगता है कि यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। और दूसरी तरफ इनको ये भी लगता है गाइस कि अभी तो इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिनको ऐसा है कि अभी सबको ठीक करना है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको रिलीज़ करना है, तो अभी इन सब में पहले ध्यान देना चाहिए। और देखिए, हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिनकी शादी वगैरह फिक्स हुई है, एंगेजमेंट हुई है, तो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि शादी से पहले अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लें, और इसके लिए ये कभी कभी क्या भी सोच रहे हैं कि आपको किसी तरह से बहलाफुस लाकर आपकी तरफ बढ़ा जाए, और कुछ समय आप भी जैसे कि अभी अकेले हैं, अगर अभी इनकी लाइफ में कोई नहीं है तो इनको ये लगता है कि आपके साथ थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए या कोई नया इंसान मिल जाए तो भी सही है, और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, एंजॉय किया जाए, उसके बाद फिर शादीवादी के बंधन में तो बनना ही है। तो यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन की मैरिज वगैरह भी फिक्स हुई है लेकिन इनका दिमाग अभी सही तरीके से नहीं चल रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है। ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि कोई भी जो भी ये करना चाहते हैं वो काम भले ही गलत है लेकिन इनको सही लग रहा है। और आपके पर्सन का तो हमेशा से यही हाल रहा है गाइस कि अपना ज़्यादा सोचते हैं, अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और अपना फ़ायदा तो देखते ही हैं, तो इनका यही है कि ये जो सोचते हैं कि जो सोच रहे हैं जो कर रहे हैं वही सही है, भले ही वो चीज़ गलत है लेकिन उस चीज़ को ये मानना नहीं चाहते, इनको लगता है जो ये करते हैं जो ये सोचते हैं वो बिल्कुल सही है या ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर वही है कि अपने बारे में अभी भी ये सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी अगर सोचते हैं तो यहाँ पर भी अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, कुछ दिनों का टाइम पास तो हो जाए बस ऐसा है। तो ऐसे इंसान के बारे में ज़्यादा सोचना या इनके लिए सीरियस रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अभी की इनकी एनर्जी तो सही नहीं लग रही, जो भी इनका सोच है जो इनकी सोच है जो सोच विचार ये कर रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है। इससे तो क्या है कि अगर आप इनकी बातों में आते हैं तो आपकी लाइफ पे इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। और देखिए, परेशानी एक बार इस इंसान की वजह से आपने झेली है या आपको छोड़कर भी गए हैं और बहुत तकलीफ़ में आप रहे हैं, और आपके साथ दोबारा भी वही हो सकता है क्योंकि अभी वही बात है कि इनकी एनर्जी ही सही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अगर ये आपसे कांटेक्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, भले ही देखिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला इन्होंने ले लिया है लेकिन हो सकता है टाइम पास के लिए ये किसी तरह से आपको अपने जाल में फिर से फंसाएं, तो अगर ये आपसे कांटेक्ट वगैरह करते हैं तो आपको इनके साथ सतर्क रहने की ज़रूरत है, सोच विचार करने के बाद ही इनका ऐसा है कि अगर ये आपको अप्रोच कर रहे हैं तो इनकी बात को मानना है, बाकी इन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है अभी की इनकी जो एनर्जी है इस हिसाब से। लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो गलत किया या अभी गलत किया है या कर रहे हैं तो इनको तो इनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ये उससे बच नहीं सकते। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस, तो आप सतर्क रहिए, और ऐसा है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सोच समझ कर जवाब देना है, और इनकी बातों में आसानी से आने की ज़रूरत नहीं है, पहले जान लीजिए परख लीजिए कि ये इंसान किस उद्देश्य से आपकी तरफ बढ़ा है, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है तो आपको भी ऐसा है कि रुक जाना चाहिए, अगर आगे की कोई प्लानिंग है तो फिर आप इनकी बातों में आ रहे हैं और इनके साथ रिश्ते को आगे ले जा रहे हैं तो ठीक ही है, नहीं तो फिर वही होगा जो पास्ट में हुआ था।
तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।